हेलो दोस्तों, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। आप यहाँ पे अभी स्ट्रिंगिंग का एक्टिविटीज़ चल रहा है, कंडक्टर स्ट्रिंगिंग किया जा रहा है गैंट्री पे। चले हम ये दिखाते हैं कि किस तरह से मतलब और एक्टिविटीज़ ऑन गोइंग है और क्या क्या हैजर्ड्स है, क्या हमको सेफ्टी मेजर प्रोएक्टिव हमको लेनी चाहिए। चले देखें यहाँ पे लाइन मैन किस तरह से मतलब काम कर रहे हैं। अभी ऑलरेडी दो कंडक्टर स्ट्रिंगिंग हो गया है हमारा। अभी जिस पोर्शन पे ये बंदे बैठे हुए हैं वो वहाँ पे मेज़रमेंट करने के लिए, यहाँ पे अगर हम दे बात करें तो सबसे पहले तो फॉलिंग हैज़र्ड्स है यहाँ पे और रिस्क बहुत ज़्यादा है। फैटली जो भी कॉन्सिक्वेंस अगर होगा यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब पेनफुल हो सकता है, क्योंकि नीचे में कोई भी आपका मतलब प्रोटेक्शन नहीं है। जस्ट जो भी फॉल प्रोटेक्शन है वो रिटेक्टेबल डिवाइस पे डिपेंड करता है, जो 100% लोग टाइक ऑफ करके जाते हैं, फुल बॉडी हार्नेस है। तो ये फॉल प्रोटेक्शन के लिए हम लोग अप्लाई किए हुए हैं। टोटल जितना भी आपका जहाँ पे भी एंकरेज पॉइंट है वो टोटल आपका कैलकुलेटेड है, इंजीनियरिंग कैलकुलेटेड है। 1 पर्सन 5,000 पाउंड ऑलरेडी आप लोग जानते हैं इसके बारे में। और जो ये जितना भी इंसुलेटर है वो ऑन ग्राउंड असेंबलिंग होकर होस्ट किया जाता है, फिर यहाँ पर जाके कंडक्टर ये लोग स्ट्रिंगिंग करते हैं। अगर हम इसका सेफ सिस्टम ऑफ वर्क की बात करें तो जितना भी रिस्क असेसमेंट है ऑलरेडी कंप्लीटेड है और मेथड स्टेटमेंट कंप्लीटेड है, सेफ सीक्वेंस ऑफ वर्क कंप्लीटेड है। इसमें जितना भी हम जो भी एक्टिविटीज़ है हमारा स्टेप बाय स्टेप जो भी रिस्क है वो टोटल हम लोगों ने कैलकुलेट कर चुके हैं प्रोबेबिलिटी और सेवेरिटीज़। मगर फिर भी अगर मेरी बात करें तो मुझे तो बहुत ज़्यादा कभी कभी सम टाइम ही लगता है, मगर ये लोग दे आर द ट्रेंड, दे ऑलरेडी दे हैव द सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन कार्ड, उनके पास कार्ड भी है थर्ड पार्टी का, वर्क एट हाइट का भी है। कोई भी बंदा मतलब इस तरह का कोई भी बीमार या फैटिक नहीं होगा, क्योंकि उनका फिटनेस ऑफ वर्क ऑलरेडी टेस्टेड है इनका पहले एक्टिविटी से स्टार्ट किए हुए। और स्टार्ट कार्ड जो भी है, टूल बॉक्स स्टॉक, वो लोग भी ये सब भी कंडक्टेड किया जाता है पहले। और सेफ्टी कवरेज बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा एरिया आइसोलेशन होना चाहिए, कोई भी बंदा अंडरग्राउंड नहीं होनी चाहिए, अंडर द वायर नहीं होनी चाहिए। इन द केस अगर फेल्योर होता है तो हो सकता है फॉलिंग हैजर्ड्स और बंदे के ऊपर भी गिर सकता है, इसलिए एरिया आइसोलेशन है। और अगर हम बात करें तो फॉल प्रोटेक्शन के लिए हम लोग रिट्रेक्टेबल लेनियार्ड भी यूज़ कर रहे हैं, डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, लाइफ लाइन यूज़ कर रहे हैं, वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। और ये 3 फेज है, 1 by 1 कंप्लीट किया जाएगा और 2 बंदा ही अलाउ है जो वहाँ पे जाएगा, जो भी क्लिपिंग करना है या जो भी वाट एवर जो एक्टिविटीज़ है उनका वो काम करेंगे। मगर फुल टोटली आपका इनका फॉल प्रोटेक्शन 100% टाई ऑफ होगा कंडक्टर के साथ। तो रियली बहुत ही रिस्की जॉब है, दिस इज़ द नॉट ए ईजी जॉब फॉर द लाइन मैन, दिस इज़ द वेरी डिफ़िकल्ट एक्टिविटीज़ एंड द हैजर्डस एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे ऑल टाइम आप अगर बात करें तो थोड़ा सा भी अगर नेग्लिजेंसी होगा तो एक्सीडेंट माइट बी टेक प्लेस हो सकता है। और रेस्क्यू किट भी हम लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। अगर रेस्क्यू किट की बात करें तो हम दिखा रहे हैं आपको रेस्क्यू किट, ये देखें वहाँ एक टैग लगा हुआ है, ये जो रेस्क्यू किट है आप देख रहे हैं, रेस्क्यू किट भी लगा हुआ है, एक लाइन जो आया हुआ है सामने में। अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये जो भी हमारा एक्सेस है सिर्फ एक डेडिकेटेड एक्सेस होगा, बाकी जितना भी एक्सेस है वो आइसोलेट होगा और विथ साइनेज होगा, कोई भी बंदा दूसरे एक्सेस से नहीं जाएगा, जहाँ से लाइफ लाइन है वहीं से उनको एक्सेस करना है। अगर एक्सेस की अगर हम और बात करें तो सेफ एक्सेस हमारा स्टेप होगा, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल से हाइट है तो हम लोगों ने सेफ एक्सेस भी दिया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये सेफ एक्सेस है हमारा, ये आपका लाइफ लाइन है, ठीक है। ये लाइफ सेफ सिर्फ एक्सेस और एग्रेस के लिए ये डेडिकेटेड किया गया है, कोई दूसरे स्टेप से नहीं चढ़ सकते हैं, एरिया आइसोलेट है इस एरिया इस पैड से और या किसी दूसरे पैड से ये स्टेप से नहीं चढ़ सकते हैं। तो एक्स्ट्रा विजिलेंट की ज़रूरत है यहाँ पे, सेफ्टी कवरेज की ज़रूरत है। और देखें वहाँ लाइन मैन सब लोग काम कर रहे हैं और यहाँ मोनोपोल से ये सीधे आपके गैंट्री पे आएगा, फिर आपका वो GIV जहाँ भी कनेक्शन होगा वहाँ पे होगा। तो यहाँ पे ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी है, फॉल प्रोटेक्शन बहुत ही ज़रूरी है और सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बहुत ही ज़रूरी है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी कवरेज बहुत ज़रूरी है, नेग्लिजेंसी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा आपका इंक्रीज़ करेगा और थोड़ा सा भी नेग्लिजेंसी जो फैटलिटी तक पहुंच सकता है। तो टेक केयर, जो लोग भी इस तरह का स्ट्रिंगिंग एक्टिविटीज़ या लाइनमैन एक्टिविटीज़ में है
तो टेक केयर। और भी हम फर्दर कोई अगर इस तरह का इंफॉर्मेशन है जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देते रहेंगे। ओके, थैंक यू।